रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में टेस्ला के सीईओ और अरबपति एलोन मस्क की चर्चा थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये बेवजह नहीं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एलोन मस्क की हाल ही में जमकर तारीफ की। वैसे ना तो उन्होंने युद्ध से जोड़कर मस्क की कोई बात की और ना ही ये बताया कि क्यों उनके मुंह से मस्क के लिए फूल झड़ रहे हैं। रूस में एक आर्थिक मंच पर बोलते हुए पुतिन ने स्टारलिंक विवाद का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन जब उनसे अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने में मस्क की स्पेसएक्स कंपनी की सफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उनकी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, जहां तक निजी व्यवसाय और एलोन मस्क का सवाल है, वो निस्संदेह एक शानदार व्यक्ति है और मुझे लगता है कि इस बात पर पूरी दुनिया सहमत होगी। मस्क एक एक्टिव और प्रतिभाशाली बिजनेसमैन है। अपने काम में वो लगातार सफल हो रहे हैं। उनकी सफलता में अमेरिका भी उनके साथ है। अब इस कहानी में ट्विस्ट यह है कि पुतिन की यह तारीफ यूक्रेन स्टारलिंग विवाद के कुछ दिनों बाद ही की जा रही है, इसलिए उनकी इस तारीफ को घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ था कि पिछले साल क्रीमिया तट के पास विस्फोटकों से लैस यूक्रेनी पनडुब्बी ड्रोन हमले के लिए रूसी युद्धपोतों की ओर बढ़ रहे थे। तब मस्क ने गुप्त रूप से अपने इंजीनियरों को स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट को बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि उस दौरान यूक्रेनी अधिकारियों ने उनसे संचार नेटवर्क को फिर से चालू करने का अनुरोध किया, लेकिन उसे नहीं माना गया। मस्क ने इसे नहीं माना क्योंकि उनको डर था कि रूस क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले का जवाब परमाणु हथियारों से देगा। एलोन मस्क अक्सर यूक्रेन और रूस दोनों से युद्ध रोकने और इसका शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की अपील करते रहे हैं। पिछले साल ही अक्टूबर में उन्होंने ट्विटर पर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की सलाह दी थी, जिसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मस्क से नाराजगी जताते हुए उन्हें भला बुरा कहा था। अब देखना होगा रूस की इस तारीफ को यूक्रेन किस तरह से लेता है।